हवा लगने के बाद आलू की छटाई और ग्रेडिंग करना चाहिए। छटाई के दौरान कटे फटे हरे रंग के और किसी भी प्रकार के दाग धब्बे वाले कंदों को छाट कर अलग कर देना चाहिए। साथ ही साथ आलू के आकार के आधार पर कंदों की ग्रेडिंग करनी चाहिए। मुख्य रूप से तीन श्रेणी बनाए जा सकते हैं। पहले बड़े बड़े आलू यानी 100 ग्राम या उससे अधिक के आलू, दूसरा मध्यम आकार के आलू यानी 60 से 80 ग्राम के आलू, और तीसरा छोटे आलू यानी 40 से 50 ग्राम के आलू जो बीज के आकार के होते हैं। एक चौथा ग्रेड भी हो सकता है जिसमें बहुत छोटे छर्रे के आकार के आलू हो सकते हैं। ग्रेडिंग के बाद कंदों को ग्रेड के अनुसार अलग अलग बोरे में 50 किलो के समान वजन में भरकर बोरे को बंद कर दें। ध्यान रहे कि पिछली फसल के जिन बोरों में आलू का बीज रखा गया था उनका प्रयोग ताजे आलू रखने के लिए न करें, क्योंकि उनमें बीमारियों के जीवाणु हो सकते हैं। जूट के बोरे के अलावा आजकल नायलन के धागों से बने नाइलोनेट के बोरे भी आते हैं जो काफ़ी सस्ते होते हैं और बाजार तक ढुलाई के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन अगर भंडारण करना हो तो जूट के बोरे का प्रयोग करें। घर पर आलू के भंडारण में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले बड़े आकार के आलूओं को बेचना या प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि इसमें अंकुरण सबसे पहले हो जाता है। मध्यम और छोटे आकार के आलूओं का घर में ही उचित तरीके से भंडारण करके किसान घरेलू भंडारण में सड़न से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। मध्यम एवं छोटे आकार के आलू की विधिपूर्वक छटाई के बाद उनका भंडारण करना सही होता है। घर में अगर उचित तरीके से आलू का भंडारण करना हो तो उसे ऐसे स्थानों में रखें जहां घर का जमीन मिट्टी का हो, घर हवादार एवं ठंडा हो तथा वहां रोशनी कम आती हो। घर में अगर मिट्टी का जमीन न हो तो पक्के की फर्श पर भी 1-2 इंच बालू की परत बिछाकर उस पर आलू रख सकते हैं। किसी भी स्थिति में आलू की 4-5 इंच से मोटी परत न बिछाएं और 15 दिनों के अंतराल पर आलुओं को उलट पलट दें और सड़े आलुओं को निकाल दें। जगह की कमी एवं उपज की अधिक मात्रा में भंडारण के लिए बांस के बने साँचों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा का ये रेख बना हुआ है। ये रेख बनाने में 30 फीट वाला लंबा बांस 10 पीस लगेगा। तो ये रेख में यहाँ से यहाँ तक आलू नहीं भरेंगे, यहाँ से 10 इंच लगभग इतना भरेंगे। तो ये लगभग तीनों रेख में हम लोग 6 क्विंटल आलू लगभग रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें किसान अपने हिसाब से इसका लंबाई और बढ़ा सकता है। चौड़ाई सेम 3 फीट ही रहेगा, इसलिए कि किसान जो अपना इसमें स्टोर करने के लिए जो रखेंगे वो आराम से इधर से भी रख सकते हैं और उधर से घूम के उधर से भी रख सकते हैं। इस तरह के रैक में भी आलूओं को रखने के बाद 15 दिनों के अंतराल पर उसे पलटते रहें और सड़े हुए आलूओं को चुनकर अलग हटा दें। इस प्रकार हम आलू को लगभग 4 से 5 महीने तक रख सकते हैं। भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान से बचने के लिए कोड़ाई के बाद आलू की छटाई और सही तरीके से उसका भंडारण बहुत जरूरी है।